कश्मीरी में कहते हैं कि सुकोसे डोल छे से पत पत लागने ही। वो उमर साहब अभी बारामूला से हार के आए हैं इलेक्शन, उनको गवारा देता है ऐसी बात का? आप मुझे बताइए, एक बड़ी पार्टी के लीडर होकर आप ऐसी बात करें? अरे आप हार चुके हैं, हम भी हार चुके हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं। इमरान रजा अंसारी दिल में बहुत कुछ रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, दिल में भी रखता हूँ, टेलीफोन में भी रखता हूँ। टेलीफोन में जी, मतलब बहुत सारे लोगों के मुंह से पर्दे उठने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे दावे हुए हैं, बहुत सारी जो लोग, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब के दोस्त बैठे हैं एनडीए में। अगर आप नाम गिना सकते, मैं दो ही नाम अभी गिनूंगा, एक चंद्रबाबू नायडू साहब है, एक नीतीश कुमार साहब है। उन्होंने पलट सकते हैं, उन्होंने मुझे कोर्ट ले, आपने एसएचओ को बड़ी बुरी तरीके से मारा। वो देखिए, वही तो प्रॉब्लम है, यू आर सीइंग वन साइड ऑफ। नहीं बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आई केम। देखिए जब वहां तूतू मैं हुआ, साहब इज द वन हु सेड दैट 100 साल तक बीत 370 वापस नहीं आ सकता, डिडंट ही से दैट? अगर उन्होंने ये कहा कि 370 वापस नहीं आ सकते, तो उमर साहब कैसे वो मैनिफेस्टो में ला सकते? आप बताइए ना मुझे, अगर ये बात आप की मैंडेट डिस्ट्रीब्यूशन पर, जब उसने मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट किए डीडीसी में, उसकी नाकाबिलियत की वजह से यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट भी जीता, तो क्या बात करेंगे आप इनकी? सडनली फारूक साहब को एग्जॉनरेट किया जाता है, ईडी पीछे हट जाती है, फारूक साहब को दोबारा एक लाइफ लाइन दी जाती है। उसके 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उमर साहब कहते हैं कि मैं भी अब इलेक्शन लड़ूंगा। जब लोगों को ये पता चला, फारूक साहब को उन्होंने देखा। आप मुझे बताइए, एक एक 100 कुछ करोड़ का केस है, अचानक आपका ईडी है, वो कहते हैं कि जी हम अब हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आप मानते थे घोटाला हुआ था जेकेसीए में? मैं मिनिस्टर रहा हूँ बिल्कुल, और मैं जेकेसीए का प्रेसिडेंट रहा हूँ। वो आयान है, तकरीबन 40,000 पेज का वो, उस वक्त खामोशी क्यों थी? उस वक्त भी मैंने कहा है कि ये पैसा गायब हुआ है और ये जांच एजेंसियों तक है, उनको ढूंढना है। जब वो एक पटवारी को पकड़ सकते हैं, जब वो एक एक एसएचओ को पकड़ सकते हैं, वो जब एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ सकते हैं, फारूक साहब क्यों उस क्या नाम है, उस जुमरे में नहीं आते? तो अचानक से ये सब कुछ क्लियर हो जाना, माफ हो जाना, सब चीजें साफ हो जानी, तो ये इंडिकेशन करता है कि बीजेपी के साथ मिला। अगर आपको लगता है कि इंडिकेशन नहीं करता है, तो आप मुझे बताइए फिर क्या होता है? किसी एजेंसी से नहीं मिला है, क्या बात हो रही है साहब, क्या बात हो रही है? हमें मुंह नहीं खुलवाई, हमें मुंह नहीं खुलवाई। हम नहीं चाहते हैं कि अब इतनी रंजिशें हो जाएं कि बाद में आपस में हम एक दूसरे का मुंह देखने के काबिल नहीं रहें। छोड़ दीजिए, आप अपना प्रोग्राम बताइए, आपका क्या प्रोग्राम है? जम्मू कश्मीर में दंगल स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, और इस इंतखाबात को लेकर चर्चा भी बड़े पैमाने पर है। मुख्तलिफ जितने भी सियासतदान हैं, अभी लोगों के दिलों में घर बनाने की एक पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सवाल रहेगा कि इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में घर बनाया जाए और लोग हमें बाकायदा तौर पर अपना नुमाइंदा चुने, सो कैसे देखते हैं 10 साल बाद इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, असेंबली के लोग भी चाहते हैं कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने खुद फरमाया कि 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, और इन 10 सालों में आपने देखा होगा कि गवर्नेंस डेफिसिट कितना ज़्यादा है और कैसे लोगों में बेहाली है और लाचारगी है जी। जैसे आपने कहा कि इस वक्त घर बनाना चाहते हैं, नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने अपने जिनको उनको चुना है उनको ऑलरेडी घर में बसा चुके हैं। अब देरी ये है कि जिस दिन इलेक्शन का दिन होगा, उस दिन वो लोग जोग बजोग वोट देने के लिए सामने आएंगे। मगर एक कोशिश तो की जा रही है, आज वो सियासतदान जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सो पहले ऐसा रवैया कभी नज़र नहीं आया। देखिए, पहले का ज़माना पहला था, आज का ज़माना आज का है, क्योंकि आज का वोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। ही नोज़ हिज राइट्स एंड ही नोज़ द वैल्यू ऑफ हिज वोट, ही नोज़ व्हाट अ वोट कैन डू। तो वही वजह है कि सभी नेता जो हैं वो इलाकों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से यू नो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आज जलसे जुलूस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज जो नेता हैं वो जो उनको चुनेंगे उनके दरों तक पहुंच रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की वैली की अगर बात करें तो इस वक्त अगर देखें माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और लोग इस चीज़ से भी परेशान हैं कि आज तक बहुत सारा इस्तेसाल उन लोगों के साथ किया गया है। तो अब जो सिचुएशन बनी, आपको लगता है जमात बिखर चुकी है और जो कभी एक पार्टी में होते थे आज वो दूसरी पार्टी में है और आज कुछ इंडिपेंडेंट है, तो वो जमात बिखर चुकी है जो जम्मू कश्मीर में कैडर होता था सियासत का, तो किस तरीके से हल निकल सकता है अगर असेंबली बन भी गई? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ रहा है कि अगर जमात एक सियासी जमात है तो इनको एज ए जमात एज ए होल पार्टिसिपेट करने देना चाहिए था, लेकिन मैंने सुना कि कोई टेक्निकल रीजंस है, कुछ बैन की वजह से वो अपनी अम्ब्रेला के तहत इलेक्शन नहीं लड़ पाए और उन्होंने अब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जमात ही है जो लड़ रही है। अब देखना होगा ये कि जमात कैसे अपने कैडर्स को एक्टिवेट कर सकती है और उनको आमादा कर सकती है कि उनको वोट दें। लेकिन एक जब एक 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 फोर्स है जमात, जब उनको महरूम किया गया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से और उनको जेलों में डाला गया, अब चूंकि फ़ज़ा खुल चुकी है, अब जब पॉलिटिकल स्पेस खुल चुकी है, अब इस देखने में यह आ रहा है जो मैं लोगों के बयान सुन रहा हूँ, जो बड़े लीडरों के बयान सुन रहा हूँ, कि कल तक वो जमात को कहते थे कि ये जमात है, आज उन्होंने शुरू किया है ये बोलना कि जमात भी एक ए बी सी डी टीम किसी चीज़ की है। देखिए, ये बहुत बड़ी आयरनी है, ख़ासतौर पर ये उस जमात के लिए आयरनी है जो अपने आप को प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नया ही जो पैंतरा डाल रखा है वो मुझे लगता है कहीं वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ मिल रहा है। जैसे बीजेपी पैन इंडिया में, पूरे राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में कह रही है कि अगर कोई हिंदू है तो हमारे साथ है और अगर हमारे साथ है तो वो हिंदू है। तो ऐसा ही हमारे उमर साहब ने, अगर आपने देखा होगा कि इलेक्शन में उन्होंने एक नारा दिया, कहा कि अगर आपको जन्नत की ज़रूरत है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल लीजिए। तो उमर साहब भी मुझे लगता है एक रिलीजियस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जमात का जो बैकग्राउंड है इट्स अ रिलीजियस बैकग्राउंड और उनको कोई टेंट नहीं कर सकता है कि ये दाएं बाएं हैं। तो मुझे लगता है कि यू नो स्पेस ठीक है, स्पेस खोली गई, स्पेस है। मैं लोगों से ये कहूँगा कि वो परख कर, बैकग्राउंड देख कर और कारकर्दगी देख कर जिसको भी उनको वोट देना है उसको वोट दे दें। पॉलिटिशियंस आने चाहिए क्योंकि पॉलिटिशियंस ही लोगों का पल्स पहचानते हैं। तो एज अ होल ये अच्छी बात है कि सब लोग सामने आ रहे हैं और अपने आप को लोगों की इस महजर में पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से अगर बात करें हलाल और हराम की बात भी की गई है, ये हुरियत का कहा जा रहा है कि पहले ये समझते थे हराम है, अब सियासत इनके लिए हलाल हो गई, उमर अब्दुल्ला का कहना है, तो कैसे देखते हैं इस नज़र? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने ही कुछ अरसा पहले कहा कि अगर मुझे इस सेटअप में इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये तो हलाल हराम की बात तो उन पर भी लागू होती है ना। अगर उमर साहब आप कहते हैं 15-20 दिन पहले आपने एक स्टांस लिया और आज आप दूसरा स्टांस ले रहे हैं, हो सकता है हुरियत को भी लगा हो कि जो जिस स्टांस पर वो थे उससे वो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे और उनके दिल बदल चुके हैं और वो चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें। तो ये तो कल इलेक्टोरेट फैसला करेगा ना। अगर उमर साहब को या महबूबा जी का या और किसी लीडर को फैसला करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करना है? जब आपने फिर फैसला कर ही लिया है तो सबसे पेपर वापस, जो जिन्होंने भी पेपर भरे हैं उनसे वापस ले लीजिए और आप बंदर बांट कीजिए। उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि सेंटर की चाल है, मेरे पीछे बंदे लगाए जा रहे हैं और पुरजोर कोशिश की जा रही है उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए। कैसे बंदे लगाए जा रहे हैं? सरजान बरकाती को सबसे पहले गांदरबल से उनका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि उन्हें लगता था कि शायद वो बीरवा से कंटेस्ट कर रहे हैं मगर वो बडगाम से कंटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि सरजान बरकाती भी बीरवा से जो है फॉर्म भर रहा था। ये देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई शख्स दो जगह से भर रहा है जैसे उमर साहब ने भरा, ऐसे ही कोई शख्स दो तीन जगह से भर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ तो उसको तो कानून तो रोक नहीं सकता है ना।
और ये कहना कि मेरे पीछे लगा रहे हैं, कश्मीरी में कहते हैं कि सुखो से डल छेक से पत पतला आग नहीं। वो उमर साहब अभी बारामूला से हार के आए हैं इलेक्शन, उनको गवारा देता है ऐसी बात करना? आप मुझे बताइए, एक बड़ी पार्टी के लीडर होकर आप ऐसी बात करें? अरे आप हार चुके हैं, हम भी हार चुके हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं हार, तो आप कौन से अब ये बन गए कि पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे दर बदर हो जाएगा? लोगों का अपना है, लोग सरजान साहब को लग रहा होगा कि मैं 4 जगह से जीतूंगा 5 जगह से जीतूंगा, उसका हक है। अगर उसने कोई आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया हो, हिंदुस्तान की सालमियत को ना माना हो, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ना, ये तो सीधी बात है। कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं? तो अगर उसमें कुछ है जो हिंदुस्तान को लगता है कि इट्स अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशंस, ही कैन बी बार्ड एनी टाइम। बट ये कहना कि मुझे कोई एजेंसी मेरे पीछे लगा रही है, या तो उमर साहब खुल के बात करें, खुल के बात करें कि कौन से हमने सौदा नहीं किया, इसीलिए हमारे ऊपर इतनी जो है रंजिशें की जा रही हैं। लेकिन सौदा का किसने सौदा किया है यहाँ, आप मुझे बताइए, कौन सौदा कर सकता है? कौन कश्मीरी के सर का सौदा कर सकता है? कश्मीरी को अपने तक है कि किसको लाएं? आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार या बीजेपी का यहाँ चलता है? अगर उनका चलता होता तो उनके कैंडिडेट होते, उनको पता है उनका ये ज़मीना नहीं है। They know it that they don't have any standing in Kashmir region. ये कहना है इतना बड़ा भी बनाना बीजेपी को, ये अच्छी बात नहीं है। उमर साहब is portraying them bigger than their size. गलत बात। तो जिस तरीके से अब माहौल बना है, कहीं ना कहीं 370 की बात भी की जा रही है, मैनिफेस्टो में डाले जा रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, ऐसा करेंगे, और कुछ यूँ भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि मेन्यू हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कॉपी पेस्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब। देखिए एक बात मैं आपको बता दूंगा, अगर थोड़ा सा आप देर थोड़ा सा इफ़ यू कैन टेक योरसेल्फ बैक, फारूक साहब इज़ द वन हु सेड दैट 100 साल तक भी 370 वापस नहीं आ सकता, डिडंट ही से दैट? अगर उन्होंने ये कहा कि 370 वापस नहीं आ सकते, तो उमर साहब कैसे वो मैनिफेस्टो में ला सकते, आप बताइए ना मुझे। अगर ये बात नहीं हुई है तो मुझे महकूम कीजिए कि ये कि इमरान आप गलत कह रहे हैं, आप बयान अपना जो है वापस ले लीजिए, आप बदगोई कर रहे हैं। लेकिन फारूक साहब ने कहा कि नहीं कहा, ये आपके पास भी वीडियो है, मेरे पास भी वीडियो, उन्होंने कहा 370 अब 100 साल तक नहीं आएगा, वो जा चुका है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि they have a leverage or they can protect it or they can bring it back or they can do anything, unko keh dijiye, unko kehne dijiye na, lekin aapne to apna stand wazeh kar diya ki hame 370 par baat nahi karni. Unity pe bharosa karte hain aap? Main karta tha DDC election tak, lekin jab DDC election mein humne dekha ki Farooq sahab aur Umar sahab ne kooredan mein sab leaders ko phenka aur apni mamaniyat ke liye apne candidates ko utha kar पूरा कश्मीर में लैंडस्केप चेंज किया पॉलिटिक्स को, उसके बाद यूनिटी कहाँ हो सकती है? पीएजीडी भी थी एक वक्त में, उसी की तो बात में क्या आपको लगता है पीएजीडी जिस तरीके से एक वक्त में निखर के आ रही थी, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने किनारा कशी कर ली थी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप एक एजेंडा पर बैठते हैं तो उसमें सेक्रीफाइसिस भी करनी होती है और जहर के प्याले भी पीने पड़ते हैं। जब पीएजीडी बना, फारूक साहब ने तो उसको हाईजैक कर लिया। फारूक साहब की मैंडेट डिस्ट्रीब्यूशन पर, जब उसने मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट किए डीडीसी में, उसकी नाकाबिलियत की वजह से यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट भी जीता। तो क्या बात करेंगे आप इनकी? अब मैं आपको हलफन लिख के देता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ ये इन्होंने कांग्रेस को, देखिए कांग्रेस के साथ इन्होंने अलायंस जो किया है वो एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए आपने देखा होगा कि फारूक साहब कितना आतिश बयान देते थे बीजेपी के खिलाफ वगैरह वगैरह, उसके बाद सडनली फारूक साहब को एग्जॉनरेट किया जाता है, ईडी पीछे हट जाती है, फारूक साहब को दोबारा एक लाइफलाइन दी जाती है, उसके 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उमर साहब कहते हैं कि मैं भी अब इलेक्शन लड़ूंगा। जब लोगों को ये पता चला, फारूक साहब को उन्होंने देखा, उन्होंने ये परखा कि लोग समझ रहे हैं और लोग जान चुके हैं कि मेरा बीजेपी के साथ डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्शन है। आपको लगता है आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी के साथ ताल्लुकात हैं? आपको एक बात बता दूँगी, आप फारूक साहब से भी पूछ सकते हैं, जो इस वक्त एनडीए सरकार है दिल्ली में, उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेम्बरान्स हैं जिनके साथ फारूक साहब की दोस्ती है,
दोस्ती तो किसी के साथ भी हो सकती है, इनके साथ गहरी दोस्ती है, फारूक साहब इनके साथ चले हैं। मगर अमित शाह जी तो साफ क्लियर कहते हैं NCPDP के साथ तो कभी बनेगी नहीं। अरे देखिए मैं आपको एक बात बता दूंगा, कश्मीर में 20 एजेंसियां चल रही हैं, हम इस वक्त फारूक साहब की बात कर रहे हैं, आप अमित शाह पर नहीं अभी पहुंचे, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब के दोस्त बैठे हैं NDA में, अगर आप नाम गिना सकते, मैं दो ही नाम अभी गिनूंगा, एक चंद्रबाबू नायडू साहब है, एक नीतीश कुमार साहब है। उन्होंने पलट सकते हैं, उन्होंने प्रिवेल किया प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि फारूक साहब को ब्रीदर देना है। फारूक साहब कसम खा सकते हैं कि मैं बीजेपी से नहीं मिलता हूं, लेकिन फारूक साहब की बात बीजेपी सरकार पर पहुंच जाती है और प्रिवेल कर जाती है। आप मुझे बताइए, एक 100+ करोड़ का केस है, अचानक आपका ED है वो कहते हैं कि जी हम अब हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आप मानते थे घोटाला हुआ था JKCA में? मैं मिनिस्टर रहा हूँ बिल्कुल, और मैं JKCA का प्रेसिडेंट रहा हूँ, वो आयान है, तकरीबन 40,000 पेज का वो। उस वक्त खामोशी क्यों थी? खामोशी नहीं, मैंने उस वक्त भी कहा है, उस वक्त भी मैंने कहा है कि ये पैसा गायब हुआ है और ये जांच एजेंसियों तक है, उनको ढूंढना है। जब वो एक पटवारी को पकड़ सकते हैं, जब वो एक SHO को पकड़ सकते हैं, वो जब एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ सकते हैं, फारूक साहब क्यों उस क्या नाम है उस जुमरे में नहीं आते? तो अचानक से ये सब कुछ क्लियर हो जाना, माफ़ हो जाना, सब चीज़ें साफ हो जानी, तो ये इंडिकेशन करता है कि BJP के साथ मिला। अगर आपको लगता है कि इंडिकेशन नहीं करता है तो आप मुझे बताइए फिर क्या होता है, क्यों मुराद दिए जाते हैं, क्यों मुराद दिए गए, आप मुझे बताइए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आइडियोलॉजी डिफरेंसेस कहाँ पे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अपनी सियासत कश्मीरी खून पर रचाई है। अगर 1987 में वो चोरी नहीं होगी होती, जो आज आपके बड़े बड़े लीडर्स जो इस वक्त हुर्रियत में हैं या जिनको माना जाता है कि उन्होंने बंदूक उठाया, वो शायद उन्होंने बंदूक नहीं उठाया होता। एक कहावत है, तंग आमद में जंग आमद। देखिए उस वक्त लोग तंगी में थे, उनका मैंडेट छीना गया था, और तंगी में इंसान पत्थर भी उठाता है, लकड़ी भी उठाता है। उस वक्त पाकिस्तान ने ये अपॉर्चुनिटी देखी, देखा कि कश्मीरी में इस वक्त डिसइंटरेस्ट है, कश्मीरी सिस्टम से नालान है, तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कश्मीरियों को कहा कि आपको पत्थर उठाने की क्या ज़रूरत है, आइए हमारी तरफ, आइए हम आपको बंदूक दे देंगे। इट वॉज बिकॉज ऑफ 1987 दैट ग्रेव injustice which National Conference did with the people who wanted to be the part of the system and they were thrown away. वही तो है, टरबाज भी कहते हैं आप उमर अब्दुल्ला को? वेल ये तो आपको पता ही है, ये टरबाज नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? टोपी डालिया हाल ही में उन्होंने और बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, कहा है मेरी इज्जत वकार बचा लें, गांदरबल की आवाम से कहा है। वेल इसका मतलब है कि उनने ऐसा कुछ बात की है कि जिसकी वजह से उनको अपने सर की टोपी लोगों के सामने पेश करनी पड़ी। दैट मींस दैट समथिंग हैज टेरिबली गॉन रॉन्ग। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे भी काफ़ी दावे हुए हैं BJP की बी टीम है, हो सकता है, बोल सकते हैं। मैं तो अपनी बात करूंगा, आप मेरे पास आए हैं, अगर मैं BJP की बी टीम होता तो परसों इलेक्शन में आपने देखा मुझ पर FIR धागे गए, मुझे कोर्ट ले। हाँ, आपने SHO को बड़ी बुरी तरीके से मारा। वो देखिए वही तो प्रॉब्लम है, यू आर सीइंग वन साइड ऑफ। नहीं बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आई केम। देखिए जब वहाँ तूतू मैं हुआ, जब वहाँ वो SHO जब वो पोलिंग बूथ में आया, विच अकॉर्डिंग टू द लॉ इज नॉट परमिटेड, तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं इलेक्शन एजेंट था, तो मैंने उनको कहा आप यहाँ क्या करें, वो कहने लगे कि आप यहाँ क्या करें, और आपको पता है पुलिस के हरबे कैसे होते हैं। उसने उसके साथ जो PSOs थे, आप लोगों को ऐनी गवाह को बुला सकते, उसको जो नाक में लगी वो एक अपने ही PSO के बट से लगी, तो पुलिस के हाथ में। अगर पुलिस आपके साथ केस बनाए, कैसा भी केस बनाए, पुलिस को तो इख्तियार है। और मैं आपको इंशाल्लाह, आप लगे रहिए हमारे साथ, मैं आपको ऐसी चीज़ों का इंकशाफ करूँगा आपके सामने कि आप भी चौंक जाएंगे। है बहुत सारी चीज़ें, इमरान रजा अंसारी दिल में बहुत कुछ रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल में भी रखता हूँ और टेलीफोन में भी रखता हूँ। टेलीफोन में जी, मतलब बहुत सारे लोगों के मुंह से पर्दे उठने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे दावे हुए हैं, बहुत सारी जो लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, उसके हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। इमरान रजा अंसारी को कोई ऑफर आया
कि आप बुलावा आया कि आप हमारे यहाँ आ जाएं या फिर आप हमारी जमात के साथ। की जमात जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जो इसी बाग में बनी है, जब शहीद वली लोन साहब और मेरे वालिद साहब और शमी मोहम्मद शमीम साहब ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को इसी लॉन में बनाया। अपनी पार्टी ने भी सपोर्ट किया सजाद लोन साहब को, फिर भी नहीं जीते। तो इसको आपको समझ आ रहा है कि मूड कैसा है लोगों का? इट्स द मूड ऑफ द पीपल, दे डिडंट वांट, दे डिडंट वांट एंड वी एक्सेप्टेड। आगे किस तरीके से चलेंगे? आगे हम लोगों के पास जा रहे हैं। देखिए, यहाँ आप लोगों ने एक जमात को सेंक्टिटी दी है, वो आपको इस्लाम में भी वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, मुसलमान होने का भी सर्टिफिकेट देंगे, लोगों का यू नो इन द सेंस कि वही सर्टिफिकेट दे रही है, उन्होंने ही वॉशिंग मशीन बनाई है, जो हमारी वॉशिंग मशीन में आएगा वो लोगों का है और वो किसी एजेंसी से नहीं मिला है। क्या बात हो रही है साहब, क्या बात हो रही है? हमें मुंह नहीं खुलवाई, हमें मुंह नहीं खुलवाई। हम नहीं चाहते हैं कि अब इतनी रंजिशें हो जाएं कि बाद में आपस में हम एक दूसरे का मुंह देखने के काबिल नहीं रहेंगे। छोड़ दीजिए, आप अपना प्रोग्राम बताइए, आपका क्या प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर को लेकर। हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, हमारा क्या प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर को लेकर। नहीं उठाइए आप ज़्यादा पर्दा, नहीं उठाइए ज़्यादा। आपकी हंसी बहुत कुछ जाहिर कर रही है। चले, 370 को किस नज़रिए से देखेंगे आप? इट वॉज अ टाइट स्लैप ऑन अस एंड ख़त्म करने वाले कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनका आज उमर साहब का दादा वज़ीर आज़म, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया चीफ मिनिस्ट्री भी। आज उमर साहब गवर्नर के अंडर सीएम बनने के लिए भी तैयार है। तैयार है, पावर पावर पावर, कितना उसमें विकार है उसकी उनको परवाह नहीं। बस ये है कि जहान भर में कहें कि हम सीएम हैं। कुर्सी की लड़ाई है और किस चीज़ की लड़ाई है, और किस चीज़ की लड़ाई है, आप मुझे बताइए। अगर आपको वाकअन आपका ईमान ये कहता है कि इसमें कुछ नहीं रहा, उसके बाद आप उसके करीब जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? आपसे मैं पूछूं, तो बीजेपी की पॉलिसीज़ को किस नज़रिए से देखेंगे इमरान साहब आप? Vis-a-vis what? बीजेपी जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो हाल ही में जाहिर किया है, जो कुछ बीजेपी कर रही है कश्मीरी जम्मू कश्मीर की आवाम को जलील उखार कर रही है। जो भी वो कदम उठा रहे। अब मुझे बताइए, पिछले 10 साल वो हुकूमत में है, बेहाली है कि नहीं, वीरानी है कि नहीं, लोग खस्ता से खस्ता तर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप मुझे बताइए, इंस्टीट्यूशंस डाइल्यूट नहीं हो रहे? सब कुछ जानकर भी आप अगर आप हल है, इलेक्शंस हल हैं इस चीज़ का, स्टेप टूवर्ड्स एक एक ये नॉट श्योर नहीं, इट्स अ स्टेप, एक बड़ी लैडर है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो पाए हैं उनको अपनी तरफ करना है, तो इंशाल्लाह मकसद की तरफ पहुंच जाएंगे। पटन से आप इंतखाबात कंटेस्ट कर रहे हैं, अवाम का क्या कहना है, क्या रुझान है, मूड है अवाम का? नहीं, वोटिंग के लिए तो मूड है, वोट तो करना चाहते हैं, क्योंकि पटन इज़ नॉट कोई अलग एक स्पेस नहीं है कि वो भी देख रहे हैं, वो भी उसी चीज़ का शिकार है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी लोग आए हैं, मैं भी अलग एरियाज़ में जाता रहता हूँ। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह लगता है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रहे, पॉजिटिव रहे, इंशाल्लाह पॉजिटिव। तो ये कुछ सियासतदान ये भी कहते हैं कि सिंपैथी वोट ना डालें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सिंपैथी आप मुझे बताइए, चाहे कोई जेल में हो, चाहे कोई रिलीजियस हो, चाहे कोई किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, तो किसके लिए वोट डालें? नेशनल की वो कत्ले आम के लिए वोट डालें? आप मुझे बताइए ना, आप बताइए ना, जिनके हाथ रंगे हैं कश्मीरी खून से, जिन्होंने वक्तन फवक्तन कश्मीरी को कुचला है, उनको वोट डालें? आप बताइए ना मुझे, उनको वोट डालें? सेब रंग लाएगा एक दिन? सेब तो रंग आता है और इस वक्त सीज़न है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फ़िलहाल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि सियासत जिस तरीके से दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं है, सियासत इससे कहीं ज़्यादा परे है, और वो चीज़ें जो है आप तक बिल्कुल जाहिर हो जाएंगी वक्त आने तक। कई सारे लोगों के चेहरों से नकाब भी उठेगा और कई सारी चीज़ें जो हैं बाकायदा तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल के तौर पर मैं जावेद खान, दिखते रहिए द टाइपराइटर।